पुष्कर मेले का आज समापन है। वहीं इन दिनों राजस्थान का हर रंग उतर आया है। इन रंगों में एक है लोक गायन, लोक संगीत के धुन पर मेले में सैलानी झूम रहे हैं। खासतौर पर मगनारियों का संगीत अपनी अलग छटा बिखेरे हुआ है। लोक संगीत और नृत्य के ये रंग इन दिनों पुष्कर मेले में देखने को मिल रहे हैं। इन रंगों में मांगनियारों का संगीत भी खुला है। लोक संगीत से सैलानियों का स्वागत और कव्वाली से उनका मनोरंजन। मांगनियार समुदाय के लोग अपने कला से लोगों को लुभा रहे हैं। ये कला इन्हें परंपरा में मिली है और ये इसे जिंदा रखे हुए हैं। हमारी परंपरा ये है, गाने बजाने के काम करते हैं। हमारे दादाजी गाते हैं, पापा जी गाते हैं और हमारे सब कुछ सब लोग गाते हैं और हम ये गाने बजाने के काम करते हैं। आप कितने साल से गा रहे हैं? मेरे को हो गए करीबन 15-16 साल। मांगनियार समुदाय की लोक गायन कला की परंपरा अब थोड़ी मध्यम पड़ने लगी है। जैसलमेर और बाड़मेर में इस कला के कलाकारों की भरमार है, लेकिन आधुनिक संगीत से मांगनियारों की कला को खतरा पैदा हो गया है और ये बात कला को जिंदा रखने वाले कलाकार बखूबी समझते भी हैं। मैं इस संगीत को लुप्त होने नहीं दूंगा जब तक मेरे को देशों में गए हैं कि अपनी देश का झंडा। बिल्कुल सर, इस देश में भी कदर है, ऐसी बात नहीं है, बहुत है कदर, बहुत कदर इस देश में कदर है और बाहर देश में भी कदर है। हमारे संगीत का जो फोक संगीत है उसमें कुछ दम है, उस संगीत में कुछ है, हर एक का बस का रुक नहीं वो कर पाए, पता नहीं है। मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ कि हमारा संगीत जो मंगनियारों का संगीत है, लंगड़ों का संगीत एक अलग है, हमारा मंगनियारों का संगीत एक अलग है, लेकिन हम मंगनियार ही ऐसा कर रहे हैं। बाकी अगर सीखने आते हैं तो वो ऐसा नहीं कर पाते, इसमें पता नहीं क्या, या तो ब्लेड में ही संगीत। मांगनियार लोक संगीत की परंपरा को राजा महाराजाओं ने प्रोत्साहन दिया, लेकिन अब वो रहे नहीं। हाँ, उनके वंशज अब भी कई बार मांगनियार कलाकारों को अपने यहाँ बुलाते हैं, लेकिन वहाँ परफॉर्म करना इन कलाकारों के लिए भी मुश्किल होता है। अगर जजमानों में राजा महाराजाओं में जब जाते हैं तो हमारा उभरा हुआ संगीत, हम जो भूल जाते हैं वो संगीत को याद करना पड़ता है, हमें वो संगीत उनको सुनाना पड़ता है और वही संगीत हमारा राजे महाराज जैसे राठौड़ है, भाटी है, जो ये यदुवंश जो भी वंश है, उन्होंने हमारे संगीत को जीवित रखा है। मांगनियार लोक संगीत आज भी भारत के लोगों को लुभाता है, लेकिन इसके कदरदान विदेशों में भी हैं। पुष्कर के इस मेले में शिरकत कर रहे मांगनियार कलाकार कई देशों में कार्यक्रम पेश करते हैं। ये तो 10 पासपोर्ट को भर चुके हैं और कल भी हमारा परसों सुबह हमारा फ्लाइट है मस्कत के लिए जा रहे हैं। देव खान के साथ रोस्टर लेवल है और दिल्ली का है, देव खान है जैसलमेर का, करालिया गांव का, उनके साथ हम जा रहे हैं। राजस्थान का कालबेलिया नृत्य हो या फिर केसरिया बालम पधारो महारो देश, जहाँ कहीं भी ये दिखाई और सुनाई देते हैं मन मोह लेते हैं, लेकिन जरूरत इन लोक कलाओं के संरक्षण की है। राधे श्याम गोयल, सहारा न्यूज ब्यूरो, पुष्कर, अजमेर।